कोरोना का प्रचंड रूप नियंत्रण में आने की बजाय हर रोज और अधिक विकराल होता जा रहा है। कोरोना हर रोज अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 4 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 4,01,993 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बेहद डरावने हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 3,523 लोगों की कोरोना के कारण जान भी चली गई। इससे पहले एक दिन की बात करें तो एक दिन पहले देश में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3,498 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। देश में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। आज से 18 से 45 की उम्र के लोग भी टीका लगवा सकेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कई बड़े राज्यों में वैक्सीन की भारी शॉर्टेज है, जिसके कारण राज्य में 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने में असमर्थता जताई गई है। आंशिक रूप से ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र, गोवा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों में वैक्सीन का भारी टोटा है। भले ही टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू कर दिया जा रहा है, लेकिन राज्यों को इसे सही तरह से शुरू करने में अभी वक्त लगेगा। देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र इस समय कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,047 नए मामले सामने आए, वहीं 375 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई। अकेले दिल्ली में ही इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 99,361 पहुंच गई है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है कोई है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,919 नए मामले सामने आए, 828 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र में 6,62,640 सक्रिय मामले सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.